मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत की जानिब से नांदेड़ शहर को बाल ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि शाहरा से जोड़ने के लिए उसूली मंजूरी दी गई। इस मंसूबे पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए लागत आएगी। नांदेड़ जालना समृद्धि हाईवे को मरबूत करने वाले लिंक के हिस्से के तौर पर नांदेड़ शहर में भी सड़क तामीर की जाएगी, जिसमें नांदेड़ शहर के हिंगोली गेट, बाफना चौक, देगलू नाका तथा छत्रपति चौक, धनेगांव जंक्शन सड़क की मरम्मत, फ्लाई ओवर ब्रिज, देगलू नाके के करीब गोदावरी नदी पर पुल की तामीर भी इस मंसूबे के हिस्सा होंगे। ये काम तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की लागत से पाए तकमील को पहुंचेंगे। इन तरक्याती कामों को मंजूरी मिलने पर रियासती वजीर तामीरात व जिला सरपरस्त वजीर मिस्टर अशोक राव चौहान की कोशिशों को कामयाबी मिलने पर कांग्रेस अखिलेती सेल के सदर जनाब शमीम अब्दुल्ला की जानिब से अशोक राव चौहान का शानदार इस्तकबाल किया गया और अशोक चौहान के कायदाना सलाहियतों की सताइश की गई। तरक्याती फंड को मंजूरी मिलने के बाद देगलू नाके के हज़ार अवाम को यकीनी तौर पर राहत मिलेगी। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार, अखिलेती सेल के नांदेड़ शुमाल सदर जुबैर अहमद, रफीक पठान के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मैं तो सबसे पहले अशोक चौहान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो समृद्धि महामार्ग है, बहुत बड़ा काम है और वो जालना तक हो चुका है, उसको नागपुर जाना है वो रास्ता, नांदेड़ को लेकर आए, इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप तमाम नांदेड़ ज़िले के हिंगोली, परभनी, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो रास्ता शायद ही अपन कभी हिंदुस्तान में हुआ होगा, बेहतरीन रास्ता अपने को मिल रहा है। 6 घंटे में बॉम्बे जाएंगे और डायरेक्ट समंदर से अटैच है वो रास्ता, तो कंटेनर डायरेक्ट आ सकते, और ऐसा बड़ा रास्ता है। इस खुशी में और हमारे देगलू नाके की बड़ी समस्या थी उसके अंदर, उस समृद्धि महामार्ग में वो हमारा ब्रिज बन रहा, 1,000 करोड़ किसको बोलते, अगर वो ब्रिज के लिए 1,000 करोड़ रुपया रखा गया और वो काम इंशाल्लाह जल्दी होगा, तो हमारी ख्वाहिश थी कि अशोक चौहान साहब हमारे एरिया में आए, हम उनकी गुलपोशी करें। अब रही बात वाजिद भाई की, एडवोकेट वाजिद भाई ने अशोक चौहान साहब के पास ये कामों को देखते हुए, और उनके वालिद पहले से ही कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। हमारे पास के लोगों का मकसद ये रहता है कि MLA MP बनना नहीं है, हम कारपोरेटर तक है। इंशाल्लाह हम वाजिद भाई को कारपोरेटर आने वाली बारी में बना के रहेंगे और इंशाल्लाह वो बनेंगे। ऐसे कार्यकर्ता को कहीं भी चांस मिल सकता है, लेकिन आज उन्होंने देखते हुए अशोक चौहान साहब के हाथ पे कांग्रेस में शमूलियत की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। 10 साल के बाद देर से ही सही वापस आए, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके कार्यकर्ताओं को बधाई। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उनके जो भी काम होंगे, अशोक चौहान साहब ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने करेंगे।